हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3D ज्योमेट्री का क्विक फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइंस के फार्मूलेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम प्लेन्स के फार्मूलेस को डिस्कस करेंगे। लाइंस में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी पॉइंट ए से पास होकर जा रही है, जिसका पोजिशन वैक्टर ए है और पैरेलल है किसी गिवन वैक्टर बी के। इसके वैक्टर फॉर्म है आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। कार्टेशियन फॉर्म है इसकी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के। अगर एल एम और एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन के, तब इक्वेशन बन जाती है आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी दो पॉइंट से पास होकर जा रही है ए एंड बी, और उसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी है। तो वेक्टर फॉर्म है उसके लिए आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। नेक्स्ट आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर आपके पास दो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म पे, आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा बी वन एंड आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू, तो उसके लिए आपका एंगल होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन वैक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी टू वैक्टर। कार्टेशियन फॉर्म पे अगर आपकी इक्वेशन दे रखी है, तो इसके लिए आपका एंगल होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म पर लिखना है, तब एंगल होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। एल वन एम वन और एन वन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है फर्स्ट लाइन के, और एल टू एम टू और एन टू आपके डायरेक्शन कोसाइंस है सेकेंड लाइन के। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल एम और एन से दिखाते हैं। एल होता है कॉस अल्फा की इक्वल, एम होता है कॉस बीटा की इक्वल, एन होता है कॉस गामा की इक्वल। इसे आप लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। अगर ए बी एन सी आपके डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, तब आप लिख सकते हो एल अपॉन ए इक्वल्स टू एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी। एल एम और एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है। नेक्स्ट है अगर ए बी एंड सी आपके डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस के होंगे एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे जब आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे ए बी और सी के उसमें। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अगर आपके दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तब आप कैसे लिखोगे बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको डायरेक्शन को साइंस के फॉर्म पे लिखना है, तब क्या लिखोगे आप ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। अगर डायरेक्शन को साइंस के फॉर्म पे लिखना है, तो लिखोगे एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म कंडीशन क्या होती है, बी वन वैक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी टू वैक्टर। लेमडा आपका एक स्केलर है, कॉन्स्टेंट है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म पे लिखना है, तो लिखोगे ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, और एल वन अपॉन एल टू इक्वल्स टू एम वन अपॉन एम टू इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू। नेक्स्ट आता है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप किसी स्क्यू लाइन्स के निकालते हैं। स्क्यू लाइन्स क्या होती है, जो नाइदर नॉन पैरेलल होती है और नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। फिगर में देखिए, ये आपकी दो लाइंस है जो नॉन पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्टिंग है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता लगाना है, वो हम उसे डी से दिखाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म पे अगर हमें दो इक्वेशन दी है लाइंस की, आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा बी वन एंड आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू इंटू ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। कार्टेशियन फॉर्म पे हमें अगर लिखना है, तो डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन ए वन ए टू वाई टू माइनस वाई वन बी वन बी टू जेड टू माइनस जेड वन सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू का होल स्क्वायर
प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर। तो ये थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर टू गिवन लाइन्स व्हेन दे इंटरसेक्ट। जब दो गिवन लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है उस समय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तब आपकी वेक्टर फॉर्म बन जाती है बी वन क्रॉस बी टू इंटू ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू जीरो। अगर कार्टेशियन फॉर्म पे लिखना है तब इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन एल वन एल टू वाई टू माइनस वाई वन एम वन एम टू जेड टू माइनस जेड वन एन वन एन टू इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। अगर आपकी दो लाइन्स पैरेलल है उस समय आपका बी सेम होगा, दैट मीन्स आपकी डिस्टेंस बन जाएगी मॉड्यूलस ऑफ ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो इक्वेशन है आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा इंटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और कोई दूसरी इक्वेशन दी है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस म्यू इंटू फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप, तो आप यहाँ से टू कॉमन निकाल लोगे जैसे आपका बन जाएगा एक टू म्यू इंटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। फिर आप दोनों इक्वेशन देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन आपकी पैरेलल है क्योंकि यहाँ आपका बी वेक्टर सेम है और ये आपका हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट कोई म्यू वन मान सकते हो आप, तो ये आपका दोनों एक पैरेलल होगा। तो देयरफॉर आप क्या यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। तो आपको इस तरफ से ध्यान देना है कि आपको जब आपकी दो लाइंस पैरेलल है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कॉमन तो नहीं निकल रहा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसमें पूछा क्या जाता है किस तरफ से अगर आपके पास कोई पॉइंट पी है अल्फा बीटा एंड गामा और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है पॉइंट एल में जो किसी लाइन पर है, तो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपका एल्गोरिथम है। तो मान लीजिए अगर आपकी लाइन की इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मान लीजिए लाइन को लाइन की इक्वेशन है, ये आपका पॉइंट है अल्फा बीटा एंड गामा, आपको निकालने एल के कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम उस गिवन लाइन के जनरल पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, उसके लिए स्टेप वन क्या है हम क्या करेंगे राइट है कोऑर्डिनेट्स ऑन द गिवन लाइन, कैसे हम उस इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट कर देंगे। अगर लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा एक्स किसके इक्वल आएगा ए लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई किसके इक्वल आएगा वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड किसके इक्वल आएगा सी लैम्डा प्लस जेड वन। आप इस इक्वेशन फर्स्ट ट्रीट करो तो आपके किसी जनरल पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट आप निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एल। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है ये आपके यहाँ x1 y1 z1 हो गया, ये आपका x2 y2 z2 हो गया। तभी आप क्या करोगे x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा, ये आपके x1 y1 z1 और ये हो गया आपके x2 y2 और z2। आपको पी एल के यहाँ निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज, और पी एल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, आपकी लाइन की इक्वेशन क्या थी, आपकी लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसमें आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या है ए बी एंड सी। तो आपने दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, पी एल के निकाल लिए और ए बी के पता चल गया आपको। तो नेक्स्ट ये आप देख सकते हो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लगाओगे कंडीशन परपेंडिकुलरिटी लगाओगे, तो उसमें क्या होगा आपका वो क्या होता है आपका ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप दोनों को क्या कर लोगे परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ए इंटू एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा प्लस बी इंटू वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा प्लस सी इंटू जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, देन लैम्डा की वैल्यू आप रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी ये एक्स वन प्लस ए लैम्डा वाई वन प्लस बी लैम्डा जेड वन प्लस सी लैम्डा, इसमें रखोगे तो आपको उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देन अगर आपको याले कोऑर्डिनेट्स मिल गए तब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके तो पी एल निकाल सकते हो। यहाँ से आपको लेंथ ऑफ पी एल मिल जाएगी। तो अगर आपको यहाँ इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है तो इमेज ऑफ द पॉइंट मीन्स अगर आपको पी की इमेज चाहिए क्यू पर जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन और जेड वन है, तो सबसे पहले आपको वैसा ही करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालोगे, आपके एम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जैसे आपने पहले किया था। फिर आप क्या मानोगे कि एम यहाँ एक पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे एम के कोऑर्डिनेट्स, वो कैसे निकलेंगे एक्स वन प्लस वन अपॉन टू वाई वन प्लस सिक्स अपॉन टू जेड वन प्लस थ्री अपॉन टू, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे निकालते हो। तो ये किसके इक्वल रख दोगे आप जो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपने पहले निकाला है वो आ रखे, दैट मीन्स
इक्वल टू वन, इक्वल टू थ्री और इक्वल टू फाइव। अगर ऐसे करोगे तो आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तब आएगा आपका एक्स वन इक्वल्स टू वन, वाई वन इक्वल्स टू जीरो, जेड वन इक्वल्स टू सेवन। तो अभी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वन कॉमा जीरो कॉमा सेवन। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ भी निकाल सकते हो पी क्यू की बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस। अगर आपके पास कोई लाइन है जो किसी पॉइंट अल्फा से पास कर रही है, इसका पोजिशन वैक्टर अल्फा है, और वो परपेंडिकुलर है दो गिवन लाइन्स के, तब आपकी इक्वेशन हो जाती है वैक्टर फॉर्म पे आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वन क्रॉस बी टू। अगर आपकी कोई लाइन पास कर रही है किसी पोजिशन वैक्टर अल्फा से और परपेंडिकुलर इन दो गिवन लाइंस के, तब इक्वेशन आपकी होगी आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वन क्रॉस बी टू। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर आपके पास दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है? स्टेप वन हमें यह करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसी जनरल पॉइंट पर ऑन लाइन फर्स्ट एंड ऑन लाइन सेकेंड। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? हम पर्टिकुलर इक्वेशन को लेमडा के इक्वल पुट कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को हम म्यू के इक्वल पुट कर लेंगे। तब हमारे क्या आएगा, ए वन लेमडा प्लस एक्स वन, बी वन लेमडा प्लस वाई वन, सी वन लेमडा प्लस जेड वन। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, ए टू म्यू प्लस लेमडा एक्स टू प्लस बी टू म्यू प्लस वाई टू और सी टू म्यू प्लस जेड टू। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर देंगे। दैट मीन्स हम लिखेंगे ए वन लेमडा प्लस एक्स वन इक्वल्स टू ए टू म्यू प्लस एक्स टू, बी वन लेमडा प्लस वाई वन इक्वल्स टू बी टू म्यू प्लस वाई टू एंड सी वन लेमडा प्लस जेड वन इक्वल्स टू सी टू म्यू प्लस जेड टू। हमने कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दिया है, तो किसी भी दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, या पहले दूसरे को या दूसरी तीसरे को करो। तो किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लेमडा और म्यू निकालेंगे। जो लेमडा और म्यू आएगा उसको हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, दैट मीन्स वो आपके दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अदरवाइज आपके लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ये था आपका इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। तो ये जितने भी थे आपके लाइंस के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम प्लेन्स का पढ़ेंगे। प्लेन में सबसे पहले आपके पास आता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जनरल इक्वेशन है आपकी प्लेन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। जब आपकी प्लेन पास कर रही है किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो उसकी इक्वेशन होती है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। जब आपकी प्लेन पास कर रही है किसी तीन गिवन पॉइंट से, तब आपकी इक्वेशन क्या है कार्टेशियन फॉर्म पर? आपके लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। आपको ध्यान देना है कि आपका एक्स वन वाई वन और जेड वन है यहाँ पर। ये आप तब यूज़ करोगे जब आपका प्लेन तीन पॉइंट से पास होकर जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, वो होता है आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। अगर आपका प्लेन पास कर रहा है किसी गिवन पॉइंट ए से और नॉर्मल है किसी गिवन वेक्टर एन के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू जीरो। इसे आप लिख सकते हो आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, ए डॉट एन आपका होता है डी, तो इसे आप लिखोगे आर डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू डी। एन आपका नॉर्मल वैक्टर है, मीन्स परपेंडिकुलर है प्लेन के। अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है आपको, अगर आपका कोई प्लेन पास कर रहा है किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स a1, a2 और a3 है, तो इक्वेशन होगी तब आपकी x माइनस ए वन डॉट एन वन प्लस एक्स माइनस ए टू इंटू एन टू प्लस एक्स माइनस ए थ्री डॉट एन थ्री इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। पहली जो वैक्टर इक्वेशन है, द वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल टू अ यूनिट वैक्टर n एंड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ऑरिजिन। फिगर में देखिए, अगर आपके पास एक प्लेन है इसमें आपका नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करा है, ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस d है, तो इसके लिए आपकी इक्वेशन है r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, अगर आपके l, m और n डायरेक्शन कोसाइन से नॉर्मल के टू अ गिवन प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम द ऑरिजिन, तब इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। नेक्स्ट आता है आपके पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट। जब आपके कोई प्लेन पास कर रहा है तीन गिवन पॉइंट से, फिगर में देखिए, आपको कोई प्लेन है जो पॉइंट ए बी और सी से पास कर रहा है जिसके पोजिशन वैक्टर ए बी और सी है, और इसमें हमने एक नॉर्मल वैक्टर ड्रॉ करा है एन, तो ये नॉर्मल वैक्टर आपका परपेंडिकुलर है ए बी और ए सी के, तो इसे आप लिखोगे एन इक्वल्स टू ए बी क्रॉस ए सी, विच मीन्स आप यहाँ वैक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी,
आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, और एन होगा आपका ए बी क्रॉस ए सी के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर आपके पास दो प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म पर, आर डॉट एन वन इक्वल्स टू डी वन एंड आर डॉट एन टू इक्वल्स टू डी टू, तो आपका एंगल क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एन वन डॉट एन टू अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वन इंटू मॉडुलस ऑफ एन टू। अगर आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन चाहिए वेक्टर फॉर्म पर, तो वो होगा आपका एन वन डॉट एन टू इक्वल्स टू जीरो। पैरेललिज्म की कंडीशन होती है एन वन इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एन टू। कार्टेशियन फॉर्म पे अगर आपकी दो प्लेन की इक्वेशन है, तो उसमें आपका एंगल होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अगर आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन चाहिए कार्टेशियन फॉर्म पर, तो वो होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। और पैरेललिज्म में कंडीशन होगी ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। नेक्स्ट है ऑन फाइंडिंग अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है किसी दो गिवन प्लेन्स के, तो इक्वेशन क्या होगी, आर डॉट एन वन क्रॉस एन टू इक्वल्स टू ए डॉट एन वन क्रॉस एन टू। तो इसे आप लिख सकते हो आर एन वन एन टू और ए एन वन और एन टू। ये आपकी तब वाली इक्वेशन है जब आपका प्लेन पास करेगा किसी एक पॉइंट से और परपेंडिकुलर है किसी दो प्लेन के। नेक्स्ट है ऑन फाइंडिंग अ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। ऊपर था आपका एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और दो प्लेन से परपेंडिकुलर है, और इसमें आपका दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। फिगर में देखो आपका ये प्लेन है जो दो पॉइंट से पास होकर जा रहा है पी और क्यू, जिसकी पोजिशन वैक्टर ए और बी है। इसमें आपने नॉर्मल ड्रॉ करा है एन, और आपके पास एक और प्लेन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका नॉर्मल वैक्टर आपका एन वन है। तो जब ये प्लेन का जो आपका नॉर्मल है एन, वो किसके इक्वल होगा, एन वन क्रॉस पी क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका, ये जो आपका नॉर्मल है ये याले एन वन और ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम एल्गोरिथम क्या यूज़ करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोजिशन वैक्टर्स निकालेंगे पी और क्यू के, पी क्यू के हम पोजिशन वैक्टर्स निकालेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑप्टेन करेंगे जो हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड प्लेन के। जो प्लेन हमारा परपेंडिकुलर में है उसका हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन को हम ट्रीट कर लेंगे आर डॉट एन वन इक्वल्स टू डी करके। और स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, हमारा एन जो है हमारा परपेंडिकुलर है एन वन और पी क्यू के, तो हम लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू एन वन क्रॉस पी क्यू। तो ये जब हम निकाल लेंगे तब हम इसको क्या करेंगे, स्टेप फोर पर हम प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो होगी आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, एन आपका यहाँ एन वन क्रॉस पी क्यू है। तो ऐसे आप सॉल्व करना है जब आपका प्लेन किसी दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है किसी वन प्लेन के। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। अगर आपका प्लेन पैरेलल है किसी गिवन प्लेन के, फिगर में देखिए ये आपका एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपकी आर डॉट एन इक्वल्स टू डी वन है, और आपका दूसरा प्लेन है इसमें आपकी इक्वेशन है आर डॉट एन इक्वल्स टू डी टू। तो इसमें आपका पैरेलल प्लेन्स में आपका नॉर्मल सेम रहता है, बस आपकी डिस्टेंस चेंज होगी, दैट मीन्स आपकी डी वन यहाँ है और डी टू यहाँ पर है। तो अगर आपको एक प्लेन दे रखा है तो दूसरे प्लेन की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी टू, एन आपका सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर आपके पास दो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म पे दे रखी है आर डॉट एन वन इक्वल्स टू डी वन एंड आर डॉट एन टू इक्वल्स टू डी टू, तो वेक्टर फॉर्म पे आप इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे, आर डॉट एन वन माइनस डी वन प्लस लेमडा टाइम्स आर डॉट एन टू माइनस डी टू इक्वल्स टू जीरो। तो जैसे आप लिख सकते हो आर डॉट एन वन प्लस लेमडा एन टू इक्वल्स टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। कार्टेशियन फॉर्म पे अगर इक्वेशन दी है आपकी इस फॉर्म पर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल्स टू जीरो, या ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू जीरो, तब आप कैसे लिखोगे, तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ लेमडा टाइम्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। जब आपको किसी पॉइंट से आपको प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, वेक्टर फॉर्म पे क्या होगा आपका, पी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ए आपका पोजिशन वेक्टर है यहाँ पर। नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म पे देखोगे इक्वेशन, तो वो होगी आपकी मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अगर आपकी लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करती है
तो अगर आपको लाइन की कोऑर्डिनेट्स चाहिए प्लेन पर, तो कैसे निकालोगे आप? आप लाइन को इक्वल रखोगे लैम्डा के, जिससे आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसी पॉइंट पर, तो उसको आप देन पुट करोगे प्लेन की इक्वेशन पर, मीन्स आप एक्स वाई और जेड की जगह रखोगे, तो वहाँ से आपके लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो तब आप क्या निकाल सकते हो? लाइन के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। कंडीशन क्या है? अगर आपकी लाइन लाई करेगी प्लेन पर, वेक्टर फॉर्म पे अगर आप की दो इक्वेशन है लाइन और प्लेन की, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी और दूसरी है आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, तो आपका बी डॉट एन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए और सेकेंड आपका ए डॉट एन इक्वल्स टू डी होगा, ये आपका पोजिशन वैक्टर है। सेकेंड में अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो वो होगा आपका ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, वही होना चाहिए। और सेकेंड केस है आपका ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज है और एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये थे आपके लाइन और प्लेन्स के टोटल फॉर्मूले 3D के। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।